दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय गुरु नानक पब्लिक स्कूल डलहौजी। उद्योग, निजी चिकित्सा, वेलनेस व निजी शिक्षा क्षेत्र संगठनों से रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीधा संवाद कर सुझाव मांगे। निजी स्कूल सीबीएसई संघ के अध्यक्ष गुलशन कुमार ने निजी शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। गुलशन कुमार ने सुझाव दिया कि स्कूल जब भी खुले तो निजी स्कूलों को 15 दिन पहले सूचित कर दिया जाए ताकि बच्चों को लाने और ले जाने वाली बसों को समय रहते मेंटेन किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने से पहले स्कूल टीचर्स को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की ट्रेनिंग दी जाए। गुलशन कुमार ने स्कूलों को फीस लेने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री जी, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आपका स्वागत, इस मंच में स्वागत करते हुए हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने जो हमें फीस लेने की अनुमति प्रदान की है वो एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि हम बहुत दिनों से फीस के ऊपर बहुत सी चर्चाएं चल रही थी और हमारे अभिभावक जो थे वो फीस देने नहीं दे पा रहे थे। कोविड-19 के तहत हम सरकार के साथ खड़े हैं, इस परिस्थिति में हमने पूरा कोशिश किया है अपने ऑनलाइन पढ़ाई कराने का, जैसे भी लखनपाल जी कह रहे थे, और लगातार हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी स्कूल खुलने की स्थिति हो तो केवल हमें 15 दिन पहले ये बताया जाए ताकि हम अपनी ट्रांसपोर्ट, जो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जो कि स्कूलों को बच्चों को ले जाने में काम करता है, उस विभाग को एक्टिवेट करने के लिए हमें लगभग 15 दिन का समय चाहिए, क्योंकि उनको मेंटेनेंस करना है, उनको उनके पासिंग करना है, उनको ऑनलाइन करना है। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा और ये भी आपको कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जब स्कूल खुलेंगे तो उसके लिए अध्यापकों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम सरकार की तरफ से हो जाए, ट्रेनिंग जैसी छोटी सी हो जाए, ताकि बच्चों को किस तरह से स्कूल हम बुला सकें और उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनको हम आगे उनकी क्लास ही लगा सकें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर के लिए आपने बहुत अच्छे। उसका भी बड़ा इशू हो गया, अभी भी है, थोड़ी बहुत बातें हैं कि अभिभावक भी प्रभावित हुए हैं, अध्यापक भी प्रभावित हुए हैं, सिद्धांत वाले भी प्रभावित हुए हैं, इस बात को लेकर सबको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हालात तो बहुत जल्दी अगर सुधरते हैं, अगर कोविड-19 के जैसे मैंने पॉजिटिव केसेस का नंबर है वो दूर जाता है, जरूर करेंगे हमारे स्कूल चले, और स्कूल चलने से पहले हम सूचित कर देंगे, समय पर सूचित कर देंगे। और ये अच्छा सुझाव है आपका कि 15 दिन पहले एडवांस में, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है वो भी आपको जानकारी दे देंगे। और उसके साथ जो है पढ़ाई भी कोविड-19 के दौर के पश्चात जो है उसमें भी तरीका बदलना पड़ेगा। अब उसमें भी हालात जो है, परिस्थितियाँ अलग तरह की परिस्थितियों में हमको कैसे आने वाले समय में जो है पढ़ाई का मैकेनिज्म करना है अपने अपने, तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपने जो सुझाव दिया कि अगर संभव हो सके तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और उसके साथ साथ में और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन चीजों को देख करके हम आगे पढ़ाई भी ठीक प्रकार से कर सके और इस वायरस से भी अपने आप को बचा सके, क्योंकि दोबारा फिर उस सूरत में हमको परेशान ना करे, तो उसके पूरी ट्रेनिंग की आवश्यकता, थोड़ा कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता, ताकि आपका टीचर, आपके टीचर के साथ साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली भी प्रिपेयर हो और कम से कम सारी चीजें जो है व्यवस्थित ढंग से एक तरह से वो कैरी कर सकते। गुरु नानक पब्लिक स्कूल डलहौजी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड, एरियाज फर्स्ट एंड ओनली स्कूल विद एयर कंडीशन्ड हॉस्टल्स, एक्सेलेंट क्लास 12th एंड 10th रिजल्ट्स, जेईपीएमटी सिलेक्शन इन 2018, एरिया टॉपर्स इन कॉमर्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, सीएस एंड हिंदी, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, टॉपर ऑफ डलहौजी एरिया इन एआईएसएसई 2018, स्पेशल विंटर कोचिंग फैसिलिटी, यूरोकिड सैपलिंग्स, क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी। Don't go by magic, go by logic. We are with the administration and our school parents at this hour of gloom and crisis. For more information, please contact 018-99-240-653, 242-270, 242-271 and mobile number is 94180-10653, 94180-10753.
एंड वेबसाइट इज www.gnpsdalhousie.com।